सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव मोड खेल रहे हैं और इसमें हम एक चीज़ बना रहे हैं जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव मोड में बना रहे हैं एक घर। मैंने ये घर एक यूट्यूबर को बनाते हुए देखा है और मुझे बहुत पसंद आ गया था, इसलिए मुझे ये कब से बनाना था। और अपने धीरू मंचक ने भी इसको बनाया है, तो आज मैं भी बनाने वाला हूँ। उसके लिए हमें चाहिए, क्या चाहिए, ब्रिक चाहिए आई थिंक। रुको, ये ब्रिक स्टोन, अच्छा ब्रिक स्टोन चाहिए और ये भी चाहिए। तो हम कितना बनाए हैं, तो रुको मैं इधर से पहले करता हूँ। और मुझे एरिया भी काफ़ी अच्छा मिला है, सी के सामने वाला जगह, मतलब हमारा सी साइड घर होगा क्रिएटिव में। तो ठीक है, हम बनाते हैं। ठीक है, इधर से 14 है और इधर से, ठीक है, और इधर से 12 है। ये हमारा 14x12 का घर होगा। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा ऊंचा करते हैं और इतना, ठीक है इतना ठीक है। तो ठीक है, इतना तो बन गया है। अब हमें इसके अंदर वुड प्लैंक्स लगाते हैं। देखते हैं, हमारे पास ओक, स्प्रूस, जंगल, डार्क वुड लगाता हूँ। तो ठीक है गाइस, इतना तो बन गया है। अब हम इसमें, अच्छा ये स्पॉन्ज, वाइट वूल, पर्पल वूल, हम कारपेट 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 कौन सा करें। अच्छा हम ग्रे कारपेट लेते करते हैं नीचे। सो गाइस ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। तो अब हमें जंगल लॉग, डार्क वुड प्लैंक्स, डार्क वुड प्लैंक, अच्छा हमें डार्क वुड स्लेप चाहिए। तो ठीक है, हम ये भी इधर का कंप्लीट कर देते। सो गाइस ठीक है, ये इतना तो कंप्लीट हो गया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तब हमें ऊपर चढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हमको इधर से 1 2 3 4, ठीक है हमने 4 ब्लॉक तोड़ दिए। अब हमें 2 3 4, ठीक है इतना तो हो गया। अब हम इसको फिल कर देते हैं। सो गाइस ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है अब। तो अब हमें इसका ऊपर का पार्ट बनाना है, लेकिन रुको पहले मैं इसको इधर से ऐसा, ठीक है अब ये कंप्लीट दिख रहा है ऐसा। तो अब हमें ऊपर का बनाना है, तो हम ऊपर ऐसे बनाते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6, हम टोटल 3-स्टोरी हाउस बना रहे। सो ठीक है गाइस, ये इतना बन गया है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है अब। तो हम किधर से एक्सटेंड करें समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये एंट्रेंस तो हो गया इधर से ऐसा, ये जगह खाली है ना। तो ठीक है, हम इधर 1 2 3, ठीक है ठीक है इतना ठीक है। इधर से कितना है, इधर से, अच्छा और एक तोड़ना है। ठीक है, अब हम इधर से इसको एक्सटेंड करते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस ठीक है, अब हम इधर, चलो ये फाउंडेशन तो हो गया है। अब हमें इधर भी हम वैसे ही करते हैं जैसा उधर किया है। ठीक है गाइस, अब ये हो चुका है। अब इधर स्लेब्स लगाते हैं, आई थिंक इधर से आएंगे ना।
ठीक है, इधर से आएंगे। ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें चाहिए उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक स्मूथ कॉर्ड्स ब्लॉक और ये स्मूथ कॉर्ड्स स्लेब्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भी ऐसा थोड़ा ऊपर हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको इधर से भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया है। और ये एक इधर, ठीक है। अब इधर हम, ये तो हमारा हो गया एक छोटी सी और कमरा। अब इसको हम इससे स्मूथ कॉर्ड से हम चारों बाजू इसकी बाउंड्री करेंगे ताकि ये थोड़ा सा घर हमारा अच्छा दिखे, थोड़ा सा मॉडर्न लुक मिले इसको। ठीक है, इतना तो हो गया है। अब हम ऊपर का भी इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, हम इधर से ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया, हमारा ऊपर का भी कमरा आ गया है। और हम शायद इसको एक ब्लॉक और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो हो गया है। अब हम इस पे ऊपर इसको क्या बोलते हैं, डार्क वुड स्लेब्स डाल देते। सो ठीक है, हमारा घर तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन रुको, हम ऊपर भी ऐसा करते जो हमने नीचे किया है, मतलब थोड़ा सा घर अच्छा दिखे, बेटर दिखे। सो गाइस, ठीक है, हमारा घर तो कुछ ऐसा दिख रहा है और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से ओपन ही रखने वाला हूँ ताकि सनलाइट इस रूम में आ सके। परफेक्ट। अब हम इधर ग्लास, ग्लास किधर है, ग्लास, अच्छा इधर है ग्लास, इधर है, ये तो ग्लास पेन है, मुझे ग्लास ब्लॉक चाहिए। इधर ग्लास है, अच्छा इधर है ग्लास, ग्रे ब्लैक देखते लगा के कैसा दिखता है। ठीक है, ब्लैक थोड़ा सा तो अच्छा दिख रहा है और ये तो इतना तो बन गया है, लेकिन रुको, घर में रोशनी नहीं आ रही है तो हम, ठीक है, ये खिड़की होगी बड़ी, ठीक है, और ये खिड़की होगी, वैसे हमको इधर ही करना है। नहीं 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 थोड़ा सा गलत हो गया, इसके आगे वाले तोड़ना था। ठीक है, ये खिड़की हो गई और इधर आगे खिड़की रखू नहीं रखू मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं आगे ना ऐसे ऊपर वाले इधर ऐसे खिड़की रखता हूँ। ठीक है, लेकिन रुको, मुझे अंदर आने के लिए भी तो कुछ जगह चाहिए, तो हम एंट्रेंस किधर से रखे, इधर से ही रखे। ये एक रूम बनेगा हमारा, इसको हम इसको रूम करूँ या क्या करूँ, ऐसे ही ओपन रखूँ। ठीक है, मैं इधर भी वो ग्लास पेन ना, क्या था, ग्लास पेन ही था ना, वो लगाने वाला हूँ। ब्लैक वाला किधर गया, ग्रे नहीं, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, ये तो हो गया इतना। अब इसका क्या करे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे ही खुला रखूं या फिर इसको, तो इधर भी खिड़की नहीं है तो हमें तो पहले खिड़की बनानी है। ठीक है, अब इधर भी हम लगा दे,
रुको, मैं और इधर पहले एक डोर लगा देता हूँ ताकि ये मेरे घर पे आ ना सके। डोर डोर कैसा लगा है? डार्क वुड का ही लगा है, वो तो कुछ अलग ही दिख रहा है। बर्च डोर ठीक है, मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और मैं इसको अपने एक प्राइवेट रूम बनाने वाला था, लेकिन क्या करूँ, बना तो बनाता ही हूँ लेकिन फिर ये हॉल छोटा सा रह जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर हम अलग डोर लगाते हैं, हम इधर ये डार्क वुड का डोर लगाते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। ठीक है, ऐसा कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है ऐसा तो। ठीक है, तो ये हो गया, हमें ऊपर का और नीचे का करना है ना। हमें ऊपर का भी फ्लोर बनाना है। हम इधर अपनी ये ग्लास पेन ही बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, ग्लास पेन ही बोलते हैं शायद, वो लगाते थे और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इतना। ठीक है, तो गाइज हमारा घर दूर से तो कुछ ऐसा दिख रहा है, हमारे घर के पास बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। और रुको, मैं अपने घर को थोड़ा सा बाउंड्री करता हूँ। उसके लिए हमें चाहिए फेंस, डार्क वुड है ना तो वाइट कलर की अच्छी दिखेंगी, लेकिन रुको ये रैप प्रिंस देखते कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब तो हमारा घर कुछ ऐसा मतलब ठीक ही लग रहा है, इतना तो बुरा तो नहीं लग रहा है। अब हमें घर के बाहर उसको क्या बोलते हैं, लैंटन, लैंटन ही बोलते हैं। अब हम घर के बाहर लैंटन लगाते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। अब इसको कैसे, अच्छा ठीक है इसे लगाते हैं। और एक इधर देखते हैं कैसा दिख रहा है। और एक्चुअली मैं ये ना इधर भी रख सकता हूँ अपने स्टेयर्स के पास, इधर जगह है एक, इधर रखो। ठीक है ना, ऐसा तो रख ही सकता हूँ ना, अच्छा तो दिख रहा है। परफेक्ट। अरे भाई इसको क्या करूँ मैं, ये क्या मिला, एंडर पल, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है मुझे, सर्वाइवल में तो कुछ नहीं मिलता। और हमें एक छोटा सा इधर, वैसे तो मेरे घर के बाहर तो बहुत सारा पानी है, लेकिन तो ठीक है, मैं इधर एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाने वाला हूँ। लेंथ 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा हमारा स्विमिंग पूल बनेगा। 2 3, थोड़ा सा इसको गहराई रखने वाला हूँ ताकि मैं आसानी से तैर सकूँ इधर। सो गाइस ठीक है, अब हम इधर ऐसा करके इसको पूरा भर देंगे। सो गाइस इतना तो कंप्लीट हो गया है, अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी इधर बकेट, अच्छा इधर ही पानी है, तो देखते हैं कैसा लगता है। किधर गया पानी, तो गाइस ठीक है हमारा स्विमिंग पूल भी रेडी हो चुका है। वो तो पेड़ों का ऐसे सजा कर बाउंड्री बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं एक्चुअली। अच्छा ये ओक लीव, स्प्रूस, बर्च, जंगल, हम ओक लीव्स को लेके देखते हैं कैसा दिखता है। ये इसमें कितना गैप तू है, मुझे इतना गैप वाला नहीं चाहिए था। ठीक है, इसे दिख तो अच्छा रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा दिख रहा है,
वो ऐसा लाइट वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सी लैंटर्न या पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, शायद यही बोलते हैं। तो मैं ये इधर चारों कोनों में लगा रहा हूँ, देखते हैं कैसा दिखता है। ऐसे तो अच्छा दिख रहा है, लाइट इफेक्ट भी आ रहा है, हम इधर भी लैंटर्न लगाते हैं। और हमारा घर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वैसे दिख तो बहुत अच्छा रहा है। ये मेरा फर्स्ट घर है और मुझे तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। आपका तो पता नहीं कैसा दिख रहा है आपको। एक्चुअली ना हम इसको और बेटर बना सकते हैं। ये हम स्लेब लेंगे और इधर ऐसा ये है ना, इसको हम ऐसा ऐसा बाहर निकालेंगे, तो देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छा ठीक है, ये अब कुछ थोड़ा सा, मतलब मुझे तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे अब ये बेटर लग रहा है। सो गाइस, ये तो मैंने बाहर से तो इतना कर दिया है, लेकिन हमें इंटीरियर बनाना बाकी है अभी, तो हम वो करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।